दोस्तों एल्विस यादव किए हैं पूजा भट्ट की टांग खिंचाई। जी हाँ गाइस, आपको बता दें कि सुबह सुबह आज एल्विस भाई पूजा भट्ट की टांग खिंचाई करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आज वह पूजा जी से सरकास्टिक वे में बातें कर रहे थे, जिसे सुनने के बाद आप भी हंसी के ठहाके लगाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि आज बिग बॉस के घर में वेकअप अलार्म बजने से पहले ही एल्विस यादव जग गए थे और गार्डन एरिया में वह लगभग 2 घंटे तक योगा किए, जिसके कारण उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ और वह किचन एरिया में आकर पूजा भट्ट से बोले कि आज मैं बहुत पहले उठ गया था और आज से मैं बना लूंगा सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि योगा करने में बहुत ही मजा आता है और मूड भी रिफ्रेश रहता है पूरे दिन। तो पूजा भट्ट बोली कि गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया फैसला लिया है तुमने। इतना सुनते ही जिया शंकर कहती हैं कि कल पापा आए थे ना इसके, इसलिए इतना एनर्जी आ गया है। यह सुनकर एल्विस भी हंसने लगते हैं। वहीं दोस्तों एल्विस ने सभी घर वालों को और पूजा भट्ट को बताया कि आज मिड वीक एविक्शन होने वाला है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए और पूजा जी के तो पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो और बोली कि आपके पास इतनी गहराई की खबर कैसे मिली। दरअसल हमारे ख्याल से पूजा जी को लगा कि सारी स्क्रिप्ट और जानकारी तो मेरे पास रहती है, तो एल्विस को कैसे पता चल गया। तो एल्विस बोलते हैं कि एक्चुअली मैं आज सुबह जल्दी उठ गया था, तो मैंने चोरी चुपके अपना फोन चेक किया, तो फोन में नोटिफिकेशन आया था कि आज मिड वीक एविक्शन होने वाला है। यह सुनकर पूजा भट्ट समेत सभी कंटेस्टेंट भी हंसने लगे। जी हाँ दोस्तों, एल्विस यादव यहाँ पर टांग खिंचाई करते हुए बोले कि आज सुबह उठा था ना, तो नोटिफिकेशन आए हुए थे कि भाई आज एविक्शन होवेंगे। तो पूजा भट्ट बोलती है कि वाह, क्या बात बोली है एल्विस ने। खैर जो भी हो दोस्तों, एल्विस यादव की यह जोक सपाट वाली मस्ती आपको सुनने में कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।